मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। तो हरे कृष्णा, आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरी अबू से और हम जा रहे हैं बेल की पत्तियां लेने। ओ भयंकर क्या लग गया मेरी आंखों में, तब भयंकर देख सकते कितनी भयंकर बारिश हो रही है, इतनी भयंकर बारिश हो रही है, बिल्कुल कड़क कड़क कड़क, मतलब बिजली बहुत भयंकर कड़क रही है। और मेरे पापा ने मुझे एक पेड़ बताया बेल का, वो मैं ढूंढने जा रही हूँ, आई होप वो मुझे मिल जाए। मैं क्या, सावन का सोमवार है तो मतलब ना, वैसे तो सावन में मतलब ये होता ही है कि बारिश आएगी आएगी, पर इतनी भयंकर वाली, मतलब रात से ही बारिश लगी हुई, एक बार भी बारिश रुकी नहीं है। और मैं ऐसी बारिश में जा रही हूँ बेल के पत्ते लेने। देखती हूँ, पापा ने एक पेड़ बताया था अगर वो मिल गया तो। फिर जैसे बारिश हो रही है, जगह जगह पानी भरा हुआ है और ये मिल गया है मुझे बेल का पेड़। वाओ, मतलब शहरों में तो कैसे ढूंढना पड़ता है ना, पर हमारे इधर तो एकदम से आसानी से मिल जाता है बेल का पेड़। बेल का पेड़ मुझे मिल गया और इसमें मतलब सारी की सारी पत्तियाँ इतनी अच्छी है, मतलब कोई भी ऐसे खंडित वंडित नहीं है, तो मुझे बहुत आसानी होगी। मुझे एक बेल तोड़ूंगी और लेके चले जाऊंगी, मतलब ठीक है, बढ़िया है बस। तो मैं आई थी उधर से और ये रहा मेरा बेल का पेड़ और अब मैं तोड़ती हूँ इसमें से बेल। बारिश तो आप देख ही रहोगे, ले जा लेते हैं, इतना लंबा तोड़ के ले जा लेते हैं, शिव मंदिर में रख देंगे, काम आ जाएगा किसी के। तो ये रही हमारी बेल पत्री, तो हमने तोड़ लिया बेल पत्री और ये जा रहे हम। तो भाई साहब फिर ऊपर भीग गए हम घर, अब मेरे घर के पास ही था ये आंखे का पेड़, इसके फूल तोड़ लेते हैं कुछ और पत्ते भी तोड़ लेंगे, ये तो मेरे घर के पास है तो इसकी कोई दिक्कत नहीं कहीं। और माँ जी कांटा छुप गया तो चढ़ गए और ये बस ये तोड़ लिया हमने। फूल तो मेरे घर पे इतने सारे हैं कि फूलों की तो कोई वो नहीं है, फूल बहुत सारे, फूल यहीं से तोड़ लेंगे, फूल तो बहुत सारे लगा रखे हैं मैंने, फूल की कोई दिक्कत नहीं। और ये मैंने तोड़ लिया है, आ छुप गया छुप गया। तो जब तक रोशनी तो नहाने गई है, तब तक मैं जो इसमें से बिल्कुल सही पत्ते हैं वो निकाल लेती हूँ। अरे यार, जिसमें खंडित पत्ते होते हैं वो नहीं चढ़ाते ना, तो ये वाले और ये रहे और हम आ गए अपने मंदिर में। ये हमारे घर के पास है बिल्कुल ही, तो हम पहुँच गए हैं मंदिर। ओ भाई दिनों से सब बैंक का भीड़ लग रही है। ओ भाई भयंकर भी है वो, और बारिश घर के पूजा करें तो हम बाहर के यूज कर रहे हैं। तो फ्रेंड हमारी पूजा वगैरह हो गई है, रोशनी पूजा कर ली, मैंने पूजा कर ली, तो अब हम जा रहे हैं घर। जा गए हम घर और मैंने बनाया था ये मक्खन और सुबह बना के गई थी, फिर मैं इसमें बर्फ डाल के गई थी, फिर मैं निकाल रही इसको, देखो कितने अच्छे तरीके से निकल गया। बर्फ डाल के छोड़ दो तो ये ऐसे बन जाता है फिर। और अब हम बनाएंगे इसका घी, जो आएगा हमारे शाम के हलवे में काम। देखो कितने अच्छे तरीके से निकल रहा है, का काम। और मैं बना रही हूँ खाना, यहाँ पे बन रही है मेरी, ये बन रहा है मेरा घी, ये बन रही है मेरी लौकी और ये बन रहा है मेरा
रास्ते वाले आलू और साबूदाने की खीर मेरी बनने वाली है। तो अलग भगवान हमारा सावन के सोमवार का पहला भाग था, तो इसमें हम बना रहे हैं आलू, आलू खाने वाले हैं। बन गई हमारी साबूदाने की खिचड़ी। पहले मुझे बनाने नहीं आती थी, पर मैंने अभी ये सीख लिया, अभी बिल्कुल खिली खिली बनती है। और ये हमारी चिप कैसे हो गई इनकी हालत, वो बहुत जल गई शायद से, पहले तो नहीं, पर घी का बर्तन था ना, तो इसलिए ऐसा हो रहा है। बड़े बहुत टेस्टी बनेंगे, बनाना चिप चाहिए, बहुत टेस्टी। तो ये है बनाना के, मतलब मैंने अभी ऐसे ही वो कर दिया था इनको, मतलब ऐसे घी भुजा था उनमें ऐसे फ्राई कर दिया, तो ये मतलब बहुत टेस्टी लग रहे हैं, इसको फास्ट है तो इसलिए। अभी हमारे साबुदाने की खिचड़ी होने वाली तैयार, तब दिखाती हूँ मैं आपको। पहले मुझे बनानी आती थी, अब मुझे बनानी आती है हमारी साबुदाने की खिचड़ी, जो मुझे पहले बिल्कुल नहीं बनानी आती थी, पर अब मुझे बहुत अच्छे से आ गई बनानी। तो देखो कैसे खिली खिली बनाई। तो ये है आज हमारा फास्ट का खाना, फास्ट फूड नहीं, फास्ट का खाना है बस ये। तो देखते कैसी लगे, कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है। तो ये रही हमारी साबुदाने की खिचड़ी, फाइनली मैंने सीख ली है बनानी, पहले मुझे बिल्कुल नहीं आती थी। रात का खाना तो हो गया था ना, आपने देख लिया था हमने साबुदाने की वो बनाई थी, और आज तो हमारा व्रत था, तो फिर हम ये कल के मॉर्निंग के लिए बना रहे हैं पत्तियों। अगर आपको भी खाने की इच्छा होगी तो आ जाना, और अगर किसी को रेसिपी पूछनी होगी तो वो भी पूछ लेना। ये है अरबी के पत्तों का पत्तियों। एक भैया है, उनके मम्मी ने दिए थे हमें फोटो खींचते ऐसा रहता है। तो गाइस ऐसे करके रोल हो गया, जा एक धागा लाइए जरा।